डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.0 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड पासिस थ्रू अ 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर एंड इमर्जेस विद अ स्पीड ऑफ 2.0 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। इसमें हमें एक प्रोटॉन की इनिशियल स्पीड दी हुई है, फिर वो एक पेपर में से पास करता है, उस पेपर की थिकनेस दी हुई है और पास करने के बाद उसकी जो स्पीड होती है यानी फाइनल स्पीड वो दी हुई है, और फिर हमें पूछा हुआ है रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन और उसके बाद टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर, उस पेपर में से प्रोटॉन को पास करने में कितना टाइम लगा। तो जो इनिशियल स्पीड है इसकी वी आई, दैट इज़ 1.0 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो फाइनल स्पीड हमें दी है उसने, फाइनल स्पीड की अगर हम बात करते हैं इनिशियल स्पीड थी वी आई 1.0 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड है वी एफ 2.0 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, थिकनेस एस दी हुई है 0.020 सेंटीमीटर, जिसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 0.020 डिवाइडेड बाय 100 तो ये चली जाएगी 2 × 10⁻⁴ मीटर। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है और टाइम फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। अच्छा, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके मुताबिक ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2s, इस इक्वेशन में वैसे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, इसमें से जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर ओवर 2s। वी एफ की और वी आई दोनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, वो इस इक्वेशन में रखेंगे, उनके स्क्वेयर लेंगे ओवर 2 × s, s डिस्टेंस दिया हुआ है। इन सारी कैलकुलेशन को करके देखते हैं क्या आंसर आता है। फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन में ब्रैकेट ली 2.0 10 टू द पावर 6 इसका होल स्क्वायर माइनस 1.0 10 टू द पावर 7 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.0 10 टू द पावर माइनस 4। लेट्स सी, इट इज़ माइनस 2.4 10 टू द पावर 17, दैट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्रोटॉन। उसके बाद हमें पूछा था कि उस प्रोटॉन को उस शीट में से गुजरने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसमें से टी क्या निकलेगा, वी आई उधर जाकर वी एफ में से माइनस और ए एक्सेलरेशन जो है डिवाइड हो गया। वी एफ है 2.0 10 टू द पावर 6 माइनस 1.0 10 टू द पावर 7 ओवर एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू हम इस ए की जगह रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। दोबारा से हम एक फ्रैक्शन लेंगे और फ्रैक्शन में पहले इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 2.0 10 टू द पावर 6 माइनस फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल 1.0 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन दैट इज़ माइनस 2.4 10 टू द पावर प्लस 17। लेट्स सी क्या आंसर बनता है, 3.33 10 टू द पावर माइनस 11 10 टू द पावर माइनस 11 दैट इज आंसर नंबर 2, दिस वाज आंसर नंबर 1। दैट्स इट, गुड बाय।